जानवर है वो दूध, जानवर है वो रूह जो गुरु से है वो बरू नहीं, जानवर है वो रूह जो गुरु से है वो बरू नहीं। अगर परखा जाए तो हर लिहाज से मेरे विचार में एक औरत से बड़ा कोई गुरु नहीं। ज्ञान की आराधना देवी माँ शारदा के चरणों में मेरा प्रणाम। सभा को उपस्थित रहना चाहा एवं मेरे अध्यापक एवं अध्यापिका महोदय एवं सभा में उपस्थित मेरे सभी बहनों को मेरा प्रणाम। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मुझे कुछ मन करने का मौका मिला, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। भारत के समस्त शिक्षक वर्ग के चरणों में मैं उम्र नायकों को समर्पित करते हुए अपनी वाणी की शुरुआत करती हूँ। रोशनी को भी अपने तरीके से इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना समझती हूँ फिर भी इतने पेशेंस के साथ समझाने के लिए दिल से शुक्रिया आपका कि टीचर्स क्यों होते हैं ये बताने के लिए। आपकी बातें दिमाग के साथ साथ दिल पर कहीं लग जाती हैं, आपकी बातें दिमाग के साथ साथ दिल पर कहीं लग जाती हैं, पढ़ने की आग जो बहुत ही वर्षों से फिर से कहीं सुलग जाती है।
सभी को ईश्वर के मन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दिलाती से बोलता हूँ, इस शुभ अवसर पर आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। हम शायद याद न रख पाए हर चीज जो आपने सिखाई है, पर ये बात हमेशा याद रहेगी कि जिंदगी आपने बनाई है। हर रोग मैं नहीं कह पाती, हर रोग मैं नहीं कह पाती, पर दिल से कहती जब भी कहती हूँ थैंक यू डियर टीचर, मैं आपका शुक्रिया करती हूँ। किताबें नहीं जिंदगी पढ़ाई, किताबें नहीं जिंदगी पढ़ाई, या यूँ कहूँ कि आपने जिंदगी बनाई। हम कहाँ थे एक जगह के काबिल जो जगह आपने हमें दिलाई। थैंक यू एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए, बिन मांगे दिए लेक्चर के लिए। थैंक यू एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए, बिन मांगे दिए लेक्चर के लिए, अच्छे व्यवहार और तरीके के लिए, जीवन जीने के तरीके के लिए। कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, हमें कतई नहीं डरना है। एग्जाम क्लास का हो या जिंदगी का, हमें सभी पाल कर बहुत कुछ पढ़ाया, बहुत कुछ हम ना समझते तो हमें प्रभु स्वरूप ओ भारत माता के चरणों में नमन करते हुए आज के इस विशिष्ट दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विद्यालय के सभागार में उपस्थित सहयोगी आचार्य बहने, आचार्य बंधु एवं प्यारे बच्चों, आज हम सभी शिक्षक दिवस का उत्सव उल्लासपूर्वक मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। बच्चों, हमें वो शब्द नहीं मिल रहा है जो मैं चाहती हूँ कि इन बच्चों के जो मनोभाव हैं उन और उस दायित्व के लिए हम जितना प्रयास करें कम है। हमारे बच्चों के लिए हमें बहुत कुछ करना है और आज के दिन शायद हमें यही संकल्प लेना चाहिए कि इन छोटे बच्चों को देख करके ईश्वर ने जो दायित्व हमें दिया है उस दायित्व सारे बच्चों को बधे। वाह भाई वाह, टीचर्स डे के दिन ये सारे बच्चे।